देवता मंदिर आर्थिक व्यवस्था और सुख ये सारे चीज एक कुंडली जागरण व्यक्ति के पास हो सकते हैं। और इस कुंडली जागरण की प्रक्रिया को करने वाले या किए जाने वाले लोग कितने ही संसार में हैं, कितने लोगों ने इसकी कुंडली जागरण हुई और उन्होंने समाज को किस तरह बदला, उसकी आवाज संसार ने किस तरह सुनी, यह आपके सामने में जिन संतों का आज नाम मैंने लिया है इन सभी की कुंडली जागरण थी, जिन्होंने समाज को नहीं बदला, परिवार को बदला, जिनका अच्छा या बुरा कार्य आज अगर हम एक दृष्टि से देखा जाए कि मच्छिंद्रनाथ जी ने उस मैनाकिनी के पति बनकर प्रवेश करके उनको दो पुत्र दिए, ये हमारे हमारे दृष्टि में घृणास्पद कार्य हो सकता है, लेकिन वो समाज में उन्होंने क्या दिया, उस बीज का एक ऐसा वृक्ष रखा, ऐसा फल रखा जो आने वाले समाज के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसा बीज हम बो सकते हैं क्या? ऐसा बीज बोने के लिए क्या हमारी कुंडली जी शक्ति जागृत है? क्या हम अच्छे अच्छे बच्चों को पैदा कर रहे हैं? आज हम कितने ही लोगों को देखते हैं जिनकी पत्नियां सुंदर हैं, जिनके पति हैं सुंदर हैं, लेकिन उनके घर में ऐसी अशांति है कि उस अशांति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे पुत्र सुंदर हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन पिता को अपने सुख नहीं प्रदान कर सकते। ऐसे पिता है जिनके पास जायदाद बहुत बड़ा है लेकिन अपने पिता पुत्र को एक पैसा भी नहीं देते। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उनका अनुभव है या क्या उनका आज्ञा का पालन नहीं होता? या वो अग्नि अगे आपकी पत्नी आपका बात नहीं सुनती, आपका पुत्र आपका बात नहीं सुनता, तो इसके पीछे कौन सा कारण चल रहा है? क्या क्यों रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा मानकर वनवास चले गए? आज अगर किसी पिता के पास उतना साम्राज्य होता और अपने पुत्र को कहते कि तू वनवास चला जा तो बरके भी नहीं जाता, अपने बाप को मार के पराजय पर बैठता था। पिता की आज्ञा मानकर शादी हुए वाला नव यौवन पति और पत्नी वनवास को चले जाए ये केवल राम ही कर सकते थे। तो इसके पीछे उनका कौन सा तंत्र था? केवल यह था कि उनके वशिष्ठ जैसे गुरु थे, विश्वामित्र जैसे उनके गुरु थे और उन्होंने उस संस्कार में वे पले थे, इसलिए वे अपने पिता की आज्ञा पर वनवास चले गए। कुंडली जागरण व्यक्तित्व समाज को बदल सकने की प्रक्रिया करता है, अपने आप को बदलने की प्रक्रिया करता है, अपने 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 साथ रहने वालों को नहीं वह नए समाज की सृष्टि कर सकता है। वह कनकधारा स्तोत्र से संसार को देवता नहीं देवता की सृष्टि कर सकता है। इस संसार में हम देखते हैं कि हरेक की तपस्या के पीछे क्या क्या चीज है, ऐसी क्या व्यक्तित्व है, क्या तपस्या है जो एक आदमी उतना महान होता है और हम इतने सब रहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए क्या चाहिए? चाहिए यह कुंडली जागरण प्रक्रिया में कहते हैं कि आहार विहार पर एक नियमबद्ध जीवन हो, यमबद्ध नियम जीवन न हो। यमबद्ध जीवन ऐसा होता है कि तुम मृत्यु की तरफ अग्रत रहो, यम जानता है कि तुम्हें कब खींच लेना है, लेकिन कुंडली जागरण जागृत व्यक्ति तो कहता है कि मैं जब चाहूं तब मरता हूं, तुम चाहने से यम के जाने से नहीं होता, क्योंकि मैं नियमवान मैं नियम में हूं इसलिए यम काम नहीं करता। जिसके जीवन में नियम है उसके जीवन में यम काम नहीं करता। आपको बहुत बार मैं एक बहुत थोड़े दिन पहले की बात ज्यादा दिन पहले की बात नहीं थोड़े दिन पहले की बात है कहते हैं कि हमारे पास एक नियमबद्ध व्यक्तित्व थे, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ के रहने वाले, उन्होंने एक बार मुझे एक बात बताई थी। एक दातार नाम के एक अच्छे संत हुए जो गायन में बहुत ही श्रेष्ठ थे और वे नित्य नियम से एक ईरानी होटल था, ईरानी होटल में रोज 5 बजे होटल खुलती चाय पीने के लिए जाते थे, एक दो कप चाय पीना और बाद में आकर अपना संगीत का कार्यक्रम साधना सब कुछ करते रहना, ये उनके जीवन में नियम हो गया था। वो ईरानी होटल वाला भी ये ब्राह्मण रोज साधु इनके पास बहुत सारे शिष्य है लेकिन ईरानी चाय पीने के लिए रोज 5 बजे होटल खुलते ही आते हैं, उनको चाय पिला देते थे जाते थे, ये उनका नियम बना हुआ था। कुछ दिन की बात है, बाद में बहुत सारे लोग शिष्या और उनके शिष्य भी शिष्यों के साथ भी वो चाय पीने के लिए आते थे जाते थे, वो ईरानी वाला होटल वाला चाय उनको प्रदान करता था। बाद में बहुत दिनों के बाद क्या हुए, एक दिन सभी शिष्य बहुत सारे शिष्य आए और उसी होटल में आए और बैठ के चाय पीने लगे और कहने लगे कि अरे ये ऐसा कैसा हो गया? बोले दातार गुरुजी चले गए जिनका देहावसान हो गया। तो होटल वाला ईरानी होटल वाला बोला क्या क्या बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा क्या आपको पता नहीं दातार जो आपके पास चाय पीने आते थे वो तो मर गए, उनका मृत हो गया, उनके आज मासिक का उनका एक महीना है, उस महीने के हमें ध्यान लगाना है, यानी मेरा एक टाइम हो गया है, मैं अभी गुरु मंत्र जप करना है, ये ध्यान है आपका नियम, आपका ध्यान खींच रहा है कि आपको वहां बैठना है, ये ध्यान है, ये सिंपल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुंडली जागरण की कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, आपके जीवन का एक प्रक्रिया है आपके जीवन की,
आप नियम बना ले कि इस समय मुझे करना है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक जाएगा कि मुझे समय जप के लिए बैठना ही है। ये ध्यान हुआ, धारणा हुई कि आपके जीवन में मुझे ये करते समय अगर मैं खाना खा के बैठ रहा हूँ जप के लिए तो मुझे नींद आती है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं जप करूंगा, ये धारणा हुई। अब जीवन में धारण कर लिया कि मैं बिना खाना खाए मैं गुरु मंत्र का जप कर लूंगा, ये धारणा। और जिस दिन ये धारणा आपके शरीर में आई ये आहार पर नियम हो गया। विहार का मतलब है आपका चित्त चंचल घूमते रहना, जब आहार पर कंट्रोल हो गया और नियम हो गया तो ऑटोमेटिक समाधि आपको लगनी आरंभ हो जाएगी, आपका मूलाधार जागृत होगा, आपका स्वाधिष्ठान जागृत होगा, आपका स्वाधिष्ठान जागृत होगा तो आप कुंडली के आगे चढ़ेंगे और तब आपको लगेगा कि मैं किसी गुरु के आश्रम में जाऊं और आप गुरु को ढूंढने लगेंगे। और जब यह नियमबद्ध आप है तो आपको आपको गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु आपको ढूंढते हुए आएगा। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में हुआ है और आज भी मैं कहता हूं गुरु ने आपको ढूंढा है, आपने गुरु को नहीं ढूंढा है। 25 सालों से गुरु आपको ढूंढते हैं, गुरु ने बार बार कहा है जीवन में आप कहीं कीड़ा पकौड़ा बनकर पड़े रहो, आप किसी कितने समाज में पड़े रहो, मैं आपको मेरे शिष्य हैं आपको ढूंढ के निकालूंगा ही निकालूंगा और फिर मार्ग पर ले चलूंगा और फिर ये बात कहेंगे कि आप मैं फिर भेजे जा रहा हूं। गुरु अपना कभी कार्य नहीं छोड़ता, गुरु अपने शिष्य को निकाल कर लाता है फिर उसे उस मार्ग पर लगाकर आगे चलाता है, लेकिन तुम फिर फंसे हुए हो फिर पीछे हट जाते हो, गुरु अपना कार्य करते हुए चलता है। और गुरु जी ने कहा था कि मैं 25 जन्मों से आपका पूर्ण लेखा जोखा जानता हूँ और मैं हर जन्म में आपको पुकारता हूँ, आप मेरे साथ उंगली पकड़कर थोड़ी देर आते हो, जब मैं तुझे सुख सौभाग्य देता हूँ धन पत्नी बच्चे देता हूँ तो तब से आपके मेरे पीछे किरकिरी शुरू हो गई, ना आपको मैं सन्यासी रहने नहीं देता ना ब्रह्मचारी रहने देता और आपको संसारी बनाता हूँ, तो आप उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं। गुरु जी पत्नी बीमार हो गई फिर गुरु जी को जन्म लेना पड़ा, फिर आपको जन्म लेना पड़ा, फिर आपको उठा के लाना पड़ा, फिर गुरु चादर पहनानी पड़ी, फिर हाथ में माला देनी पड़ी, फिर गुरु मंत्र उपदेश देना पड़ा, ये प्रक्रिया चल रही है। और गुरु कहते हैं कि आप नियमबद्ध बनो। सिर्फ केवल मैं आपको कहता हूँ, मैं कोई योगासन डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कोई सिद्धासन धारणा समाधि कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप केवल नियमबद्ध बनो। आप एक आपके जीवन में नियम बना लो, 5 मिनट का 10 मिनट का, चाहे पहाड़ गिरने दो बिजली गिरने दो, मैं उस समय में गुरु मंत्र जप कर रहा हूँ, ये मेरा समय है। आप आपके जीवन को देखो किस तरह होता है, गुरु जी आपके स्वयं सामने होंगे। ये मेरा उदाहरण है, मेरे जीवन में मैं भी ग्रस्त हूँ, मेरे लिए मेरे पीछे भी माता पिता भाई बहन सब कुछ मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मेरा भी एक जीवन, मेरा भी एक समय काल है। मैं उस समय को ये सारी चीजें होने के बाद, चाहे वो रात के 11 का समय क्यों ना हो, चाहे दोपहर का समय क्यों ना हो, मेरा 1 घंटे का समय, मैं समय चाहे कोई भी आने दो, उस समय में मैं अपना समय निकाल लेता हूँ और बैठे रहता हूँ। आप अब आप कहेंगे गुरु जी ऐसा कैसा संभाल लेते हैं, आप कभी भी घूमते रहते हैं, घूमते रहता हूँ, चाहे कार में बैठा रहा हूँ, चाहे ट्रेन में बैठा रहा हूँ या चाहे किसी के घर में बैठा रहा हूँ, तो मेरा एक समय है, उस समय मैं कहता हूँ कि मुझे सर दर्द देना, मैं जरा सोता हूँ। सब लोग कहते हैं कि गुरु जी दोपहर में भी सो जाते हैं, दोपहर में सोता नहीं, मुझे जो मेरा नियम करना है उसके लिए मुझे वहां सोना पड़ता है या वहां कार्य करना पड़ता है, मैं उस नियम को तोड़ता नहीं। रिसेंटली बात है, उस्मानाबाद गया था बागसर के साथ, ऐसा ही काम करने लगा, एक गांव में गए हम, कोई गांव का नाम था मुझे याद नहीं आया, वहाँ अच्छा शिवजी का मंदिर है पुराना, बैठे बैठे मैं समय 12 या 1 का समय हो गया था दोपहर का, मैंने वाक्सर से कहा वाक्सर बहुत सर दर्द दे रहा है, सो रहा हूँ। अब वाक्सर को लगा होगा गुरु जी को क्या सर दर्द, गुरु जी स्वयं हमारे लिए सर दर्द बने हुए हैं, उनको क्या सर दर्द है, लेकिन मैं सर दर्द का बहाना बनाया और उस समय सोया। और जब उठा तो मैंने उस मंदिर की, जो उस गांव में मंदिर है उस मंदिर के बारे में जो भी जानकारी मालूम करने की मैं मालूम की। मैं अगर किसी के घर में 1 मिनट के लिए सोता हूँ, 5 मिनट के लिए अगर रेस्ट लेता हूँ तो मैं उस घर का पूरा पिक्चर उड़ा सीन भी मुझे याद आता है, क्योंकि मेरे पास गुरुदेव ने दी हुई विद्या है। और इस विद्या को किस ध्यान से धारण करना है ये आप भी धारण कर सकते हैं, ये नियम आप भी बना सकते हैं, ये आप भी विद्या सीख सकते हैं, लेकिन किसके कब। मैं ज्यादातर इस विद्या को केवल मंदिरों, केवल साधु संन्यासियों के जीवनों के बारे में उपयोग करता हूँ, किसी के जीवन के बारे में उपयोग नहीं करता। अगर जीवन के उपयोग के बारे में करूंगा तो मैं पहले पापी बन जाऊंगा, क्योंकि उनके पाप देख नहीं सकता। अगर जिसके घर में बैठकर सो गया और उसकी पूरी सीनरी देख लेने लगा तो मैं पापी बन जाऊंगा, इसलिए कभी किसी के घर में ये काम नहीं करता। अभी देखता हूँ तो केवल मंदिर,
केवल वह चीजें जहां साधु सन्यासी योगी बैठे हुए हैं। तो यह एक प्रक्रिया है। अगर आप उस नियमबद्ध प्रक्रिया को आप भी करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ध्यान धारणा और समाधि क्या होती है और नियम आहार विहार क्या होता है, जो मूलाधार का पहला संस्कार, जिसका मूलाधार पहले जागृत हुआ, जो नियमबद्ध हुआ उसका मूलाधार जागृत होता है और मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान में जब जाता है तो वो गुरु को खोजने लगता है और गुरु को खोजने लगता है तो गुरु जब उसको देखता है कि इसका मूलाधार जागृत हो रहा है, गुरु के बारे में खोज रहा है, तो गुरु स्वयं उसके पास में पहुंचते हैं, पहुंचकर उसे दीक्षा देते हैं। स्वाधिष्ठान में गुरु की दीक्षा पाने के बाद वो अगर गुरु मंत्र जब करता है तो स्वाधिष्ठान से आगे होकर मणिपुर चक्र तक जाता है और नहीं कहता तो स्वाधिष्ठान चक्र में अटक कर कहता है मेरे को गुरु है, मेरे गुरु सब कुछ देख लेंगे, भाई मैं कैसा भी रहा तो मेरे गुरु ने देख लेते हैं, ये बात करके वो सो जाता, तो कार्य नहीं करता। बहुत सारे आपको मेरे पास अपने शिष्यों को, बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ ये बात, क्यों क्या कहते हैं, अरे यार हम गुरुजी, हमने गुरुजी पर भरोसा किया है, बस हम ऐसा ही जीते हैं, सिर्फ उतनी बात कहते हैं, लेकिन खाना खाने का समय आ गया, सोने का समय गया तो गुरु याद नहीं आते उनको, भूख बहुत जोर की लगी है भाई, पहले खाना खा लेंगे बाद में गुरु को याद करेंगे। एक बार तुम गुरु के ऊपर भरोसे खाना भी छोड़ दो ना, बैठ के देखो, नहीं छोड़ते, अच्छे कपड़े डालो का छोड़ना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, आप बाकी सभी कामों के लिए जो भी है गुरु याद आता है उनको, अरे भाई मैं सब गुरु के ऊपर छोड़ दिया हूँ, क्या बुराई पाप पुण्य जितना भी सब गुरु पे छोड़ दिया हूँ, मैं बाकी का काम मैं कर रहा हूँ। आपको छोड़ देना है तो खाना पीना भी गुरु के नाम पे छोड़ दो, छोड़ देकर तो देखो आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन आप वो छोड़ते नहीं क्योंकि आपको नियम है नहीं। और स्वाधिष्ठान चक्र में अटका हुआ व्यक्ति यह बात कहते हुए अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि मैंने सब काम अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये कह देता है। ये पहली पंक्ति है समर्पण की, दूसरी पंक्ति नहीं है, और भी पंक्तियां हैं उसके सामने। अगर तुम उसका एक बार मनन करो तो कुंडली जागरण की प्रक्रिया उस समर्पण में ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहां तक समर्पित है और हमने उस समर्पण स्तुति को कहां तक गाया है, कहां तक उसका निर्माण किया। यही बात दत्तात्रेय जी मत्स्येन्द्रनाथ के साथ उस भर्तृहरि को समझा रहे थे कि जहां सुषुम्ना ईड़ा पर जैसी वैश्याएं हैं, वैश्याएं भी अच्छी हो सकती है, तुम्हारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी अच्छी हो सकती है, तुम केवल खराब हो, तुम समझ सको, तुम्हारे को गुरु मिला तो तुम आगे बढ़ोगे। और मणिपुर में जब अगर तुम स्वाधिष्ठान से उठकर मणिपुर में आते हो तो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हो, हर कार्य गुरु को समर्पित करते हो, और मणिपुर में गुरु को समर्पित किया हुआ कार्य आगे चलते हुए वह स्वाधिष्ठान मणिपुर से जाकर विशुद्ध चक्र में जाता है और विशुद्ध चक्र में जाकर कहता है कि हम अनाहत चक्र तो बाद की बात, जब विशुद्ध चक्र में जाता है तो उसका मन विशुद्ध हो जाता है, वह हर कार्य को ये कहता है कि प्रभु ये सब किया हुआ, मैं कष्ट भी अनुभव कर रहा हूं तो ये मेरे कर्म का फल है आपका नहीं, दुख भी अनुभव कर रहा हूं तो ये मेरे कर्म का फल है, ऐसा कहता है, गुरु को दोष नहीं देता। लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र वाले गुरु को दोष देना आरंभ करते हैं, अच्छा हुआ तो कहते हैं मैं किया और बुरा हुआ तो कहते हैं कि गुरु ने किया, मैंने गुरु को भरोसा किया फिर भी मैं ऐसा हुआ, ये स्वाधिष्ठान चक्र की एक स्थिति है। उसके बाद मणिपुर चक्र की स्थिति है जिसमें गुरु पर समर्पित होता है, वो कभी बात ही नहीं करता, मौन धारण करता है, कोई गालियां दे कुछ भी दे, ये मणिपुर चक्र की स्थिति है। और उसके बाद विशुद्ध चक्र में जब आता है तो वो संसार में सभी को सभी में अच्छाई देखने लगता है, किसी में बुराई नहीं देखता। और विशुद्ध चक्र से जब ऊपर उठता है तो अनाहत चक्र होता है, वो खंडित करता है उन लोगों को जो बुराई का काम करते हैं और उसको अच्छे मार्ग पर ले जाने की प्रक्रिया करता है। और अनाहत चक्र से ऊपर उठता है तो आज्ञा चक्र में जाता है, आज्ञा चक्र वाला व्यक्ति देवताओं को आज्ञा देता है कि तुम्हें इस घर में जो दरिद्रता है तुम्हें आकर इस घर को धनवान बनाना है और जिसकी कुंडली जागरण हुई वही ये कार्य कर सकता है। यही कार्य हुआ था उस समय जब आदि शंकराचार्य किसी एक बूढ़ी औरत के घर में गए थे और उस बूढ़ी औरत के घर में जब उसने देखा कि उस भिक्षा जब ने ओम बहुत ही भिक्षा नहीं कहा तो वो आमला लेकर आई और कहा कि प्रभु आप महान संत हैं, महान भिक्षुक महासन्यासी है, लेकिन मेरे घर में केवल इस दो आंवले के सिवा और कुछ नहीं है, एक आंवला मैं पत्नी होने के कारण से मेरे पति के लिए रखी हूँ और मेरा आंवला जो है वो मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। जब शंकराचार्य को उस दरिद्रता को देखकर लगा कि इतनी भावुक स्त्री जो अपना सब कुछ एक आंवला वो भी है वो मुझे त्याग करके दे रही है, इतना त्याग देने वाली इस स्त्री के प्रभु ऐसी दरिद्रता इसके घर में क्यों, इतनी भावना इतनी भक्ति होने के बाद में इस घर में ऐसी दरिद्रता क्यों, और उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया और कनक वर्षा उस घर में हुई। तो भावनाबद्ध उस स्त्री को देखकर उन्होंने कनक धारा स्तोत्र करते हुए महालक्ष्मी को आज्ञा दिया कि उस घर में सोने की वर्षा हो। वो व्यक्ति तथा शंकराचार्य आज कितने लोग हैं, क्या शंकराचार्य जी और तरफ कनकधारा का श्रवण नहीं किया, कनकधारा का श्रवण करते हुए उन्होंने कनकधारा नहीं करवाई,
ऐसा उसी घर में क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उस भावनामय स्त्री को देखा जो स्वाधिष्ठान चक्र में अटकी हुई थी या जो मणिपुर चक्र में अटकी हुई थी, जो समर्पण समर्पित स्त्री थी। हमारे में गुरु भी यही देखता है कि आपका समर्पण देखता है। आपका समर्पण जब देखता है तो वह जरूर आपको आपके अपने प्रति उस देवता का आह्वान करके आपके घर में उस देवता को भेजता है। और यही साधना मार्ग है, यही गुरु कार्य करते हैं। और गुरु जी ने यही मार्ग बताते हुए आप सभी को गुरु चरण ओढ़ने के लिए और मंत्र जप करने के लिए बात भी किया और कहा कि साधना मार्ग ही केवल आपको उस तत्व तक ले जाता है जो मैं आपको आते आते ही पहले आपके मूलाधार को मैंने ठटोला है, बाद में स्वाधिष्ठान को, बाद में मणिपुर चक्र को, और आज मैं आपको मणिपुर चक्र में रहते हुए साधना रत करवा रहा हूँ। आपके घर में मैं देवता भेज सकता हूँ, लेकिन आप समर्पित होकर मुझे केवल ये कहो कि गुरु जी हम पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित है। और जिस दिन यह समर्पण आपके पास आएगा, देवता आपके घर में आएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं। आज हमने स्वामी समर्थ रामदास जी हो, संत ज्ञानेश्वर जी हो, संत सखुबाई हो, जिनके घर में साक्षात विठलेश्वर ने घर में आकर काम किया, भगवान कृष्ण ने काम किया। ये क्या प्रक्रिया है कि उस इतनी बड़ी स्त्री के घर में, एक मामूली स्त्री के घर में भगवान कृष्ण आकर उसका अवतार लेकर काम करते हैं? ये तो कोई कहानी नहीं, ये तो हमारे घर, हमने हमारे देखते हुए भी भगवान तुकाराम जी के लिए पुष्पक विमान भेजा गया, नामदेव जी के लिए आकर भगवान विठलेश्वर आकर खड़े हुए, एकनाथ महाराज जी के लिए अवतार लेकर आकर खड़े हुए। देवताओं को जिन्हें आह्वान किया केवल अपने नियम के कारण, एकनाथ महाराज या नामदेव जी के पास केवल अपने अपने माता पिता की सेवा, यही उनका नियम था, और उस नियम के कारण देवता को आना पड़ा। क्या आपके जीवन में नियम है? और इस नियम के लिए आप कहां तक जीते हैं? और जब तक आपके जीवन में यह नियम आएगा नहीं, तब तक इस संसार में आपकी कुंडली जागरण होगी। चाहे आप कितने योगासन सिद्धासन कितनी साधनाएं करो, आपके जीवन में नियम एक बनाओ। नियम के बाद आहार होगा, आहार के बाद विहार होगा, विहार के बाद साधना होगी, ध्यान होगा, धारणा होगी, समाधि होगी, और देवता सारे आपके सामने खड़े होंगे। ये मेरा वचन है, मैं आज गुरु के सामने यूं ही नहीं कहता। आप एक बार आपके जीवन में नियमबद्ध होकर बताओ। मैं इसी बात को लेकर भगवान दत्तात्रेय जी हो या और कोई गुरु, हमने ये भी देखा है जन्म से लेकर भगवान ध्रुव जो छोटे बालक थे, प्रहलाद जो छोटे बालक थे, जिनकी कैसी कुंडलिनियां जागरण हुई, जिनके पास देवता भाग कर आए, जो माता के प्रति किस समर्पण से वो आगे निकले थे, क्या उनकी कुंडली जागरण थी? प्रहलाद के गुरु नारद भगवान नारद थे, और ध्रुव के गुरु भी प्रहलाद नारद भगवान नारद थे। ऐसे जिनके योग्य गुरु हो और जिनके मस्तक पर हाथ रखा हो, उनके पास तो देवता आते रहते हैं, जिनकी कुंडलनी स्वयं जागृत है, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में एक नियम दिया था कि तू नारायण मंत्र का जप कर, तुझे नारायण मंत्र का जप दे रहा हूं। प्रहलाद ने जब ये मंत्र आरंभ कर दिया या ध्रुव ने जब ये मंत्र आरंभ किया, तब तक उन्होंने किया जब तक देवता को बाध्य होकर आना पड़ा, चाहे विष्णु भगवान नंगे पैर दौड़ के आए भगवान ध्रुव के पास। भगवान प्रहलाद के पास स्तंभ से प्रकट होकर आए स्वामी नरसिंह भगवान विष्णु। तो ये क्या था? उनके जीवन का नियम था कि नारायण मंत्र का जप करें। क्या हमारे जीवन में यह है? क्या हमारे जीवन में यह कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में यह साध्य है? तो मैं कौन से युग की बात नहीं, इसी युग कलयुग की बात कर रहा हूँ। ऐसे युग में भी नाम लेने वाले तुकाराम महाराज, कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, इन्होंने सभी लोगों ने रामचंद्र जी का दर्शन किया है। तो इनके जीवन में नियम था, ये भी स्त्री लोलुप थे, ये भी वेश्याओं के साथ घूमे, इनके पीछे भी गायन था, लेकिन जब उनके ऊपर गुरु का हस्त हुआ वे बदल गए और नियमबद्ध अपने जीवन को नियमबद्ध बनाया और वे संसार में श्रेष्ठ साधना रत होकर श्रेष्ठ पुरुष कहलाए। आज इतिहास उनका नाम लेता है। हम संसार में अपने जीवन को मैं नियम के लिए इसलिए आपको बाध्य करते हुए कह रहा हूं कि हम अगर हमारे जीवन में नियम बना लेते हैं तो ही हम साधना का एक साधना के विषय में एक स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं। हम एक स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया करने के लिए हमारे जीवन को नियमबद्ध करना बनाना है। यमबद्ध नहीं, यम का अर्थ होता है यम अपने जीवन अपनी तरफ मृत्यु की तरफ खींचने वाली की प्रक्रिया को यमबद्ध कहा गया है, और नियमबद्ध का अर्थ कहा गया है अपने जीवन को एक तरफ लगा के आगे चलना। जो कार्य ध्रुव ने किया, जो कार्य प्रहलाद जी ने किया, जो कार्य अनेक संतों ने किया नियम बनाकर, वही कार्य परम पद सद्गुरुदेव जी समझाते हुए कहते थे कि तुम नित्य चार माला जप मंत्र करो। हम चार माला मंत्र जब
करने भी हिचकिचाहट करते हैं। गुरुजी एक माला सुबह करने पर बाकी के माला दोपहर में करने से चलता है क्या? मेरे सुबह गुरुजी बहुत रश होता है, 11 बार बोल लेता हूँ, बाद में शाम में जाकर कर लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ हाँ, क्यों कि मैं आपका रुझाव कहाँ है जानता हूँ, आपका झुकना कहाँ जाता हूँ, आपका झुकना है ज्यादा नौकरी की तरफ, आपका झुकना है बच्चों को स्कूल को भेजने की तरफ, आपका झुकाव है पत्नी की रोटियां बनाने की तरफ, आपका झुकाव है पत्नी नौकरी को जाने की तरफ। आप जप माला को उतनी श्रेष्ठता नहीं देते जितने की, क्योंकि आप अगर 5 के बजाय 4 बजे उठ जाते हैं तो आपका नियम बद्ध जप हो सकता है। लेकिन गुरु जी क्या करें, रात के 12 बजे तक टीवी देखते हैं ना, सुबह 4 बजे उठना ही नहीं होता। अब 12 बजे टीवी देखने का भी गुरु के ऊपर उपकार, क्योंकि तुम्हें कुछ देखने के लिए तो कहने हैं नहीं। गुरु जी बहुत अच्छा सीरियल आता है रामायण, रात के 12 बजे देखते हैं, ठीक है, रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे नहीं उठते। और नियम से हम अच्छा टीवी भी नियम से देखते हैं क्या? नहीं देखते, 2-2 मिनट में चैनल बंद कर देते हैं। वो भी नियम करना हमें नहीं आता, क्योंकि हम हमारे शरीर को नियमबद्ध बना ही नहीं सकते। हमारे चंचल, हमारा चित्त बहुत व्याकुल और चंचल है। हम रामायण को ठीक तरीके से देखते, बहुत अगर विवल हो गए, सीता को अनुवास हो रहा है और कई कई कह रही है, तो वो दृश्य थोड़े लोग नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके दिल को दर्द होता है कि राम वनवास जा रहे हैं, बंद कर देते, दूसरा चैनल बदल देते हैं। मैं बोला क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, अब बहुत रामचंद्र जी को कष्ट हो रहा है, टीवी में देखकर इनको कष्ट अनुभव हो रहा है और उन्होंने टीवी का चैनल बदल दिया। होता है नहीं होता है, आप बताओ। ये नियम है, क्योंकि हम किसी चीज को देख सकते हैं, देख सकने की प्रक्रिया भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते, हम वो भी नियम ठीक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन चंचल है, हम नियमबद्ध नहीं, हम नियम से रहना नहीं जानते। हमारे जीवन में जब तक ये नियम की नियम नहीं आता, तब तक हम साधनारत नहीं हो सकते, और साधनारत जब तक नहीं होते, तब तक गुरु की प्रक्रिया का अर्थ हमें पता नहीं चलता। हमें हमारे जीवन में नियमबद्ध होना सीखना चाहिए। प्रकृति तुम्हें नियम सिखाती है, तुम्हारी प्रकृति इतनी श्रेष्ठ है कि तुम्हारे को भूख की घंटी बजा देती है। कभी भी हो, भूख की घंटी बजे, तुम भूख के लिए ढूंढते हुए फिरते हो, वो अपना नियम बना रही है, लेकिन तुम तुम्हारा नियमबद्ध नहीं हो। तुम या तो भूख को मारते हो, या तो इतना खाते हो कि भूख ना लगे, या भूख बार बार लगती रहे, भूख पर नियंत्रण नहीं है तुम्हारा। यह नियम और यह जो प्रक्रिया है, यह समर्पण की प्रक्रिया है, वही आपको नियंत्रण की प्रक्रिया दे जाती है। और जब नियंत्रण हुआ तभी समर्पण हुआ, तभी समर्पण हुआ तभी कुंडलिनी जागृत हुई, तभी कुंडलिनी जागृत हुई, सारे देवता आपके सामने, चाहे क्रिया योग हो, चाहे महायोग हो, चाहे और कोई सिद्ध योग हो, इसके पीछे आपके जीवन का एक नियमबद्ध जीवन ही आपको इस मार्ग पर ले जा सकता है। जब इस मार्ग को गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा कि प्रभु आप ये नियम, ये व्यवधान, ये सब कहते हैं, तो आने वाला संसार में देख रहा हूं, इसमें तो कोई नियम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कि मनुष्य 24 घंटे सुख भोगना चाहता है और मनुष्य 24 घंटे पैसा कमाना चाहता है। तो एक हर मालिक 24 घंटे फैक्ट्री चलाना चाहता है और उसको फैक्ट्री चलाने के लिए लोग चाहिए, और लोग चलाने के लिए हर 8 घंटे नौकरी करने वाला आदमी चाहिए। हर 8 घंटे में नौकरी करने वाला आज सुबह 8 घंटे किया, दूसरा शिफ्ट किया, तीसरा शिफ्ट किया, और वो शिफ्ट करने वाले के जीवन में नियम नहीं होता। जब वो कहता है कि भाई 8 दिन मैंने रात की ड्यूटी की, अब 8 दिन की ड्यूटी करूंगा, तो नियम किस तरह पाल सकेगा? गोरखनाथ जी को इसका पता था, उन्होंने कहा कि यह नियम अब नहीं हो सकता प्रभु, आप ऐसी कोई प्रक्रिया करें, हे मच्छिंद्रनाथ जी आप ऐसी कोई योगी प्रक्रिया करें जिससे लोग अपने इस कुंडलिनी को जागृत कर सके, क्योंकि वे नियमबद्ध जीवन नहीं जी सकते। और वो नियमबद्ध जीवन जीते हैं तो उनके जीवन में कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकती, तो मानव नहीं पशु के पशु रह जाएंगे। क्यों कुंडली जागरण मनुष्य को ही एक महात्मा या सिद्ध योगी संत महात्मा कहा गया है, और बाकी हम सब लोग क्या है? हम निद्रित अवस्था में, हम सचेत अवस्था में नहीं है, हमें संसार में क्या हो रहा है इसका पता नहीं है, हमें गुरु को क्या हो रहा है ये पता नहीं है, हम गुरु को नहीं जानते, गुरु के तत्व को नहीं जानते। हम केवल जानते हैं तो गुरु जी ने बहुत अच्छा स्टेज बनवाया यार, इस बार हम गुरु पूर्णिमा गए थे, ये कहेंगे हम पहली बात। दूसरी बात कहेंगे कि गुरु के हाथ में बहुत अच्छा सोने का कड़ा था और ये हाथ में वॉच पहने हुए थे, गुरु जी पाउडर लगाए हुए थे। हमारा डिस्कशन यहां से आरंभ होता है, ये नहीं कहते कि गुरु जी ने कोई यहां गुरु ने कुछ कहा कहानी कही है। दूसरी बात कहते हैं कि भाई शिवा भैया ने बहुत सुंदर भजन गाया। हमारा केवल देखने का ये बाह्य जगत को देखने की प्रक्रिया ही शुरू होती है, हम किसी को उस आंतरिक जगत को ले जाकर उसके भावना तक नहीं पहचानते कि शिव भैया उसके गाने में उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। शिव भैया ने बहुत तालियां बजवाई, शिव भैया ने बहुत नचवाया, ये बात कहते हैं, लेकिन उनके भावना तक नहीं पहुंच सकते।
हम गुरु के भावना तक नहीं पहुंच सकते, हम उनके ऊपरी वेशभूषा को, वहां लाइटिंग को, ये सब देखते हैं, और गुरु की ये माया है वो तो डालता है, क्योंकि तुम्हें उन्हें मालूम है कि जब तक ये सब नहीं लगाता ये लोग आएंगे नहीं, ये लोग भांस में, अगर मैं बैठा था कल वहां ले जाकर ये पंडाल नहीं डालते हुए खुले इसमें बैठा हुआ था और बारिश आती थी तो गुरु जी ये क्या है बारिश हो रही है अपन कहीं यहाँ शूट हो जाएंगे, पहले तो गुरु परेशान है आपको बारिश में बैठा कर, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मेरे शिष्य पानी में भिगे रहे, और वो जब यहाँ बिठाता है तो आप कहते हैं कि गुरुजी आपने माया डाली है अच्छे ट्यूबलाइट के नीचे, अच्छा पंडाल लाकर घास में बिठा दिए, अगर हमको वहां बिठा देते तो तपस्या होती थी, तपस्या खाक होती थी, नीचे पत्थर चुभ जाते थे, गुरुजी इधर उधर हटते थे वहीं उसे के देखने जाते थे, यहाँ अभी अच्छी तरह बिठा के बिठाया हूं तो तारीफ सिर्फ बिठाने की बात होगी और अच्छा काम होगा क्या, तो हम किस तरह इस कहीं मंदिर को जाते हैं तो कहते हैं उसकी शिल्प की तारीफ करते हैं, अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, बहुत संगमरमर का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में देवता है, उस देवता का तत्व क्या है, गुरु ने क्या बोध किया है, यहां तक हम नहीं जाते, पहले हम यह प्रक्रिया करनी चाहिए, बाद में उस बाह्य जगत को जाना चाहिए जो उन्होंने आपके लिए सुविधाएं प्रदान की, क्यों वो सुविधाएं वो प्रदान करते हैं, क्योंकि आपको शांत चित्त से आप सुन सके, मेरी यह प्रक्रिया करने का कि आपको घास में बिठाए, आपके ऊपर आपको बारिश का धूप का कोई असर ना हो, आप मेरी बातें अच्छी तरह सुन सके, आप मुझे सुन सके, और ऐसी प्रक्रिया करें कि आपका ध्यान मेरी ओर ही आकर्षित हो, आपको कहीं चींटी काटी या आपको धूप लगा, आपको बारिश गिरी तो आपका ध्यान हट जाएगा, आप इधर उधर देख सकेंगे, इसलिए मैं आपका चिंतन करता हूं, लेकिन आप मेरे बातों का चिंतन नहीं करते जबकि हम इस बाह्य जगत को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको हटकर एक बार आप देखें कि गुरु जी ने आश्रम किस लिए बनाया, उनके पीछे उनका क्या चिंतन था, किस लिए ये आप आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज वे हमें यहां बुला रहे हैं, हमने आज तक क्या साधा, क्या साध कर हमने संसार में हमने बताया है, और जब तक ये हम हमारे आप को प्रश्न नहीं कर लेते हम मानव के मानव भी कहलाने के लायक नहीं रहेंगे, खाना पीना तो पशुओं के पीछे भी लगा है, बच्चे पैदा करना पशुओं के लिए भी लगा हुआ है, हमारे पीछे भी लगा हुआ है, हम उस पशु तत्व से आगे बढ़कर मानव कहां बने, हम एक एक कहां देखते हैं, हम तो हर एक मिनट ये जानना चाहते हैं, हम यहाँ तो छोड़ो, यहाँ की बात तो छोड़ो, यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कल के दिन यहाँ से हटकर अगर आपकी जगह में कोई अपना दूसरा शिष्य अगर बैठ गया तो भाई ये मेरी जगह है आप यहाँ का बैठे हट जाए, इस कहते ये नहीं कहते कि भाई मैं हटकर बैठूंगा आप भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहते, जगह के लिए झगड़ना शुरू हो जाएगा, दूसरी बात होगी जब आएंगे तो यहाँ बैठे हुए हैं अपना सोचने का तरीका अलग होगा, उसने अपने तरफ गुरुजी ने उनको बहुत अच्छी तरह देखा, बुलाया आसन पे और फूलमालाएं दी और उनको कुछ विशेष दिया, मुझे नहीं दिया, गुरुजी ने ऐसा क्यों कार्य किया ये नहीं सोचते, लेकिन यह उनका चिंतन चलते रहता है कि गुरुजी ने उसको भी बुलाकर बात किया हमारे से बात नहीं की, ऐसा गुरु के पीछे करने का क्या उनका चिंतन था, इसके पीछे विचार नहीं करते, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुंडली जागरण नहीं है, हमारे कभी भी बुद्धि चिकित्सा युक्त बनी हुई होती है, एक छोटी सी बात है, सुदामा और श्री कृष्ण एक ही गुरु के पास थे, दोनों भी लंगोटियार थे, दोनों भी शिखा बांधे हुए थे, दोनों भी वहीं रहते थे, बलराम भी वहीं पढ़ रहे थे और एक ही गुरु के पास ये तीनों भी शिष्य थे, लेकिन सुदामा का अपने गुरु के प्रति कम और कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था कि वह कृष्ण को भूख लगी अपन खाना खाए तो कृष्ण को कुछ दिया या नहीं, या कृष्ण क्या करता है अपना खाना सभी को बांट देता है और अपने पास कुछ नहीं रख लेता, तो सुदामा छुपा कर रखते थे और कृष्ण सभी को बांट देने के बाद अपनी पोटली खोलते थे, सभी को बांट दिया है तूने, तूने कुछ नहीं खाया ये तू खा ले, तो कृष्ण कहते थे सुदामा तो ऐसा क्यों करता है, तेरे जो पोटली लाई सभी के साथ इसको मिला देता तो मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो तुम्हें दूंगा नहीं तो किसी को नहीं दूंगा, ऐसा सुदामा स्वयं भी नहीं खाता था लेकिन केवल कृष्ण के लिए बांध के रखता था और कृष्ण के लिए वो झगड़ता था कि तुम सब लोग खा लेते हो कृष्ण को नहीं कुछ नहीं देते, यह प्रेम उसका यह समर्पण इतना अधिक था कि वह सांदीपनि मुनि के आश्रम से जब आदि विद्या सीख कर ही चला गया तो कृष्ण से कहा कि मुझे गुरु से लगाव नहीं है कृष्ण, मैं सखा मैं तेरे लिए चिंतित हूं, तो कभी नहीं खाता तो अपना सभी खाना सभी सुख दूसरों को बांटता है और मेरी चिंता है तेरे लिए लगी हुई है कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, और वही सुदामा आप आगे जाकर देखते हैं कि जब एक मित्र के नाते दरिद्रता अनुभव करते हुए कृष्ण के प्रेम में बावरा सुदामा भी जब कृष्ण के घर आता है तो उसका उस प्यार को देखकर कृष्ण कहते हैं कि हे सुदामा तू मेरे लिए क्या लाया है, तू मेरे लिए क्या लाया है, कृष्ण का क्यों पूछना था, क्योंकि उन्हें पता था कि सुदामा मेरे लिए कुछ ना कुछ बिना लायक नहीं आ सकता, और सुदामा के पास उसके पास कुछ नहीं थे, वो गिले चावल के सिवा कुछ नहीं थे जो देने के लिए, और सुदामा के आंसू भीगे हुए थे, फिर भी कृष्ण जानते थे कि तू जो लाया है वो
मुझे प्रदान कर। सत्यभामा कह रही थी कि ऐसा क्या सुदामा ने लाया, बार बार सुदामा को पूछ रहे हैं। अष्ट भार्याएं पूछ रही थी, रुक्मिणी देवी पूछ रही थी कि ऐसा क्या सुदामा लाया जो पूछ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं तुम इस प्रेम को नहीं जानते, तुम इस प्रेम को नहीं जानते कि सुदामा ने मेरे लिए क्या लाया है।